जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। इस ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे देवताओं को प्रसन्न करने वाले गायत्री मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं देवताओं के गायत्री मंत्र के बारे में। कल मैंने आपको नौ ग्रहों के गायत्री मंत्र बताए, जिससे आप अपनी कुंडली में ग्रहों के अनुसार जो भी दोष चल रहा हो, आप उस ग्रह के गायत्री मंत्र का जाप करा करके उनकी शांति कर सकते हैं। उसी क्रम में आज मैं आपको देवताओं के गायत्री मंत्र बताऊंगा। इन मंत्रों में से जिस भी देवता में आपकी आस्था हो, आपकी श्रद्धा हो, आपकी निष्ठा हो, आप उस देवता का जो नियत गायत्री मंत्र है, उनसे संबंधित जो गायत्री मंत्र है, जो विशेष मंत्र है, उस गायत्री मंत्र का चुनाव करके प्रतिदिन आप यदि उनका जाप करें तो निश्चित ही उस देवता की कृपा आपको प्राप्त होगी। विभिन्न देवताओं की प्रसन्नता के लिए गायत्री मंत्र किस प्रकार से आपको जाप करना चाहिए, आइए आज बताते हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र, अब बारी है हनुमान गायत्री मंत्र की। ओम अंजनी सुताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात। मंत्र पुनः एक बार आपके लिए उच्चारित करता हूं। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात। तो ये तो था हनुमान जी का गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र तो इस प्रकार से, ये कुछ विशेष देवताओं के गायत्री मंत्र हैं जिनकी पूजा आराधना आमतौर पर लोग करते हैं। इन गायत्री मंत्रों का प्रयोग आप अगर अपने जीवन में करें, खासतौर पर ऐसे देवता का गायत्री मंत्र प्रयोग करना चाहिए जिनमें आपकी श्रद्धा हो, आपकी निष्ठा हो। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है। अगर आप अपने इष्ट देवता का गायत्री मंत्र प्रयोग में लेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इसी क्रम में हम आपको कल कुछ देवियों के, खासतौर पर जो प्रचलित देवियां हैं जिनकी पूजा आराधना हम लोग अपने दैनिक जीवन में ज्यादा करते हैं, उनके गायत्री मंत्र बताएंगे। तो आप अपनी साधना के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी कुंडली के अनुसार जो भी देवी या देवता आपके आराध्य देव बनते हों, आपके इष्ट देव बनते हों, उनके गायत्री मंत्र का चुनाव करके यदि आप मंत्र जाप करें तो निश्चित ही जीवन को कहीं ज्यादा सफल और सुखी बनाया जा सकता है। जीवन के कष्टों से, दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।